वाचा मल शरीरस्य च वैज्ञकेन योपाकरोतम् प्रवरम् मुनिना पतंजलि प्राजलि रानतोसम। धीरे से आंखें खोलिए। तो अष्टांग योग जो हम कल से देख रहे हैं, कल से डिस्कस कर रहे हैं, पतंजलि मुनि ने, सेंट पतंजलि ने जो दिए हैं, वो योग करने से मन पे ऐसा इफेक्ट आता है जैसा बुक्स पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है, जैसा किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान से हमें एक शक्ति आती है, हम एनलाइटन होते हैं। वैसा योग का मन पे इफेक्ट है, मन एनलाइटन होता है और शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस, वो लिबरेट हो जाते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो कल हमने अष्टांग योग के 8 अंग देखे थे, यम, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन, नियम, सोशल नॉर्म्स, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे रखना है या सोशल नॉर्म्स उसके बारे में, आसन, हमने काफी सारे पॉस्चर्स देखे, एक्सरसाइजेस देखे, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी देखे, जैसा हमने डिस्कस किया। ये दो पॉपुलर पार्ट्स है योग के जो ज्यादातर प्रैक्टिस होते हैं, पर योग ये एक पूरा 8ों अंगों का एक टोटल जो है उसको योग बोलते हैं एक्चुअली। बाकी के 4 है प्रत्याहार, फिफ्थ वाला प्रत्याहार, मतलब सेंसेस पे कंट्रोल। कौन से सेंसेस? सेंस ऑफ साइट, आंखें, सेंस ऑफ टेस्ट, जीभ, सेंस ऑफ स्मेल, नाक, सेंस ऑफ हियरिंग, कान, और सेंस ऑफ टच, स्किन। इससे जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे सेंसेस से, उस पे कंट्रोल, यानी हमारे लिए जो अच्छा है उतना लेना और बाकी को त्याग देना या नहीं लेना। जैसे फूड की बात करें, टेस्ट की बात करें अगर, तो दाल चावल सब्जी रोटी, हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, उतना हम लें और बाकी छोड़ दें, बाकी को हम हमारी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करें। ये हो गया प्रत्याहार। धारणा यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बनाए रखना, एक थॉट पे फोकस बनाए रखना, बाकी थॉट्स को दूर रखना। कंसंट्रेशन का ही थोड़ा आगे ध्यान यानी मेडिटेशन, उसका भी हम थोड़ा सा पार्ट आज देखने की कोशिश करेंगे, यानी मेडिटेट करना, खुद पे फोकस करना या कोई एक चीज पे, मंत्र पे फोकस करना, कोई आ, 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 एक पॉइंट पे फोकस करना या एक थॉट पे फोकस करना और उसी पे फोकस बनाए रखना, मेडिटेशन। और लास्ट है समाधि, मतलब सेटिस्फैक्शन, जो भी हम करें उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिले, या जो भी हम एम करें, अचीव करें, अचीव करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन रहे, हर चीज में सेटिस्फैक्शन रहे, मेरे पास जितना है आई एम हैप्पी इन दैट। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, चेयर पे आ जाइए। तो कल हमने मैट पे योगा देखा था, अब चेयर पे, चेयर योगा सभी लोग एज अ वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। जो लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन रहता है, किसी कारण वो नीचे नहीं बैठ सकते, जैसे अर्थराइटिस है या कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद,
कोविड रिकवरी में भी बहुत लोगों को पोस्ट कोविड तकलीफ रहती थी, घुटनों में, मसल्स में, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते थे, पर योग एडवाइस था सबको, इसलिए चेयर पे बैठ के वो लोग भी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स नीचे बैठने में दिक्कत है, वो लोग भी चेयर पे बैठ के इजीली योग कर सकते हैं। तो काफी सारे आसन थोड़े से मॉडिफाइड जो कुर्सी पे है, जिनके हमें सेम बेनिफिट्स या सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैट पे करने के हैं, पर हम चेयर पे बैठेंगे। अगर हम घर पे भी योग कर रहे हैं, जगह कम है, तब भी हम चेयर पे बैठ के योग कर सकते हैं। ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक लेके करना है, कम स्पेस लगेगा, चेयर पे ही बैठे हैं, तब भी हम चेयर योगा का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर से थोड़ा सा वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ओके, हाथ दोनों साइड में ऐसे ले लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ रखिए, हाथ सीधे, एल्बोस सीधे, कोहनियां सीधे, ऊपर क्लैप करेंगे और वापस, ऊपर सीधे, ऊपर क्लैप और वापस। ठीक है, रेडी, स्टार्ट कीजिए 10 टाइम्स। 1, सिंपल, ताली और वापस। 2, 3, 4, वेरी नाइस, कंटिन्यू। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ हथेलियां सामने की तरफ ले लीजिए, सामने की तरफ, सामने क्लैप और वापस, सामने क्लैप और वापस, वेरी नाइस, कंटिन्यू कीजिए 10 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से हाथ नीचे और कंधे रोटेट कीजिए, आगे से पीछे, पूरा सामने से पीछे, कंधे रोटेट कीजिए, सामने से पीछे, सामने से पीछे, यस, कंटिन्यू। अब रिवर्स रोटेट कीजिए, पीछे से आगे, कंधे पीछे से आगे, रिवर्स रोटेट, चेंज। फिर से हाथ दोनों साइड में ले लीजिए, बिल्कुल सीधे जैसे पहले लिए थे, कोहनियां सीधी, राइट हाथ जो है उसको पूरा लेफ्ट की तरफ ले आएंगे, ऐसे, ताली और वापस, राइट हाथ को लेफ्ट पे क्लैप और वापस, क्लैप और वापस, 10 टाइम्स। 1, कंटिन्यू कीजिए। 2, कोहनियां सीधी रखिए, दोनों कोहनियां सीधी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा हाथ, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट हाथ से राइट पे ताली और वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। थोड़ा सा आगे आ जाइए, मतलब टेकिए मत पीठ को, थोड़ा कुर्सी पे आगे आ जाइए, पर्वतासन के लिए, पैर जमीन में रखिए, फ्लैट बिल्कुल, दोनों हाथ नमस्कार में, सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे ऊपर, स्ट्रेच ऊपर,
ऊपर खींचिए पूरा हाथों को, उंगलियां सीधी हो जाए इतना खींचिए और कमर में दोनों तरफ खिंचाव महसूस हो, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर खींच के रखिए, कमर में दोनों तरफ खिंचाव, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव। और धीरे धीरे आपके राइट की तरफ झुक जाए, ध्यान दीजिए कि आपकी कुर्सी बिल्कुल स्टेबल है, मजबूत कुर्सी है, राइट पे झुक जाइए बिल्कुल जितना आप झुक सकते हैं। हर आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर, हाथ दोबारा खींच लीजिए ऊपर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ हाथ खींचिए, कमर में खिंचाओ, फिर से दोनों तरफ खिंचाओ और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट की तरफ झुक जाइए, जितना झुक सकते हैं लेफ्ट की तरफ। रुकिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर, हाथ नमस्कार में, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, अगली लंबी सांस लेते हुए फिर से एक बार पर्वतासन, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच, कोहनियां सीधी, वेरी नाइस स्ट्रेच, पूरा हाथ सीधे, खिंचाओ कमर में और सांस छोड़ते हुए राइट साइड, रुकिए राइट साइड, झुक जाइए, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हर आसन करेंगे। सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर से हाथ खींच के ऊपर, कमर में खिंचाओ, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर, धीरे धीरे दोनों हाथ चेस्ट के सामने और खोल के साइड, दोनों हाथ बाजू, अब पीछे होके बैठ जाइए आराम से, पीठ को टेक सकते हैं आप, एक लंबी सांस, तो पूरा कमर के लिए हमने पर्वतासन देखा, ठीक है, यहाँ का पेट कम करने के लिए, कमर के मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए पर्वतासन। नेक्स्ट हम देखेंगे पवन मुक्त आसन, कल हमने मैट के साथ भी देखा था नीचे प्रॉपर आसन, अब हम चेयर के साथ देखेंगे पवन मुक्त, पेट में जो गैस जमा है उसको रिलीज करने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए पवन मुक्त आसन अब हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि आपकी कुर्सी बिल्कुल स्टर्डी है, ठीक है, हिलती नहीं है, ऐसे मजबूत कुर्सी है, उस बात का आप खुद से ध्यान दीजिए। राइट पैर जो है वो ऊपर फोल्ड कर लीजिए, राइट पैर ऊपर ले लीजिए कुर्सी के ऊपर ऐसे, दोनों हाथ साइड में और दोनों हाथों से ये राइट पैर को ऐसे पकड़ लीजिए, अगर इतना आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतना ही पकड़ सकते हैं तो यहीं तक पकड़िए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ये राइट पांव को पूरा ऐसे अपने हाथों से पकड़ लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा घुटने पे लगा लीजिए,
की कोशिश, माथा राइट घुटने पे लगाने की कोशिश कीजिए और सांस लेते हुए सिर ऊपर और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा। लेफ्ट पैर जो है, राइट पैर वैसे ही रखिए, हाथ वैसे ही रखिए, सिर्फ लेफ्ट पैर को सीधा कर लीजिए, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा। एक लंबी सांस और फिर से माथा राइट घुटने पे लगाने की कोशिश और रुकिए, एक मिनट तक रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर नीचे, धीरे से हाथ खोल के फिर से बाजू में और हाथ नीचे, राइट पैर नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और लंबी सांस और लेफ्ट पैर ऊपर उठा लेंगे चेयर पे। फिर से हाथ दोनों साइड में, लेफ्ट पैर को पकड़ लीजिए और माथा घुटने पे लगाइए, रुकिए, ये पोजीशन पे रुकिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर ऊपर, राइट पैर जो है उसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, नी स्ट्रेट, टोज इनवर्ड्स, राइट पैर सीधा। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए फिर से माथा घुटने पर, रुकिए, एक मिनट तक अर्ध पवन मुक्तासन में रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, सांस लेते हुए हाथ दोनों साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और लेफ्ट पैर भी नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास,
रिलैक्स। नेक्स्ट हम बैक के लिए हस्त पादासन देखेंगे, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, सारे बैक मसल्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हस्त पादासन। थोड़ा सा अगर आपके पैर पूरे फ्लैट नहीं है तो पूरे फ्लैट करके बैठिए नीचे फ्लोर पे, पैर पूरे लगे हुए हैं जमीन पे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर सीधे। अब सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। तो अगर आपको कोई पीठ की तकलीफ है, स्लिप डिस्क है या दूसरा कोई इश्यू है वर्टेब्रल कॉलम का, तो आप अपने हिसाब से झुकिए जितना आप झुक सकते हैं, ठीक है। सांस छोड़ते हुए हमें सामने झुकते जाना है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए, कंप्लीट झुक सकते हैं पूरा नीचे, टोज को टच करते हुए, पैरों की उंगलियों को टच करते हुए, तो पूरा झुकने की कोशिश कीजिए अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए और एक मिनट तक हस्त पादासन में रुकिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। पीछे होके आराम से बैठ जाइए। और कल जो हमने एक प्राणायाम देखा था सूत्र क्रिया, बहुत ही सिंपल अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, वो अभी हम रिपीट करेंगे। राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा यूज कीजिए, राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा, बाकी तीन उंगलियां एक साथ रखिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, राइट नथुना बंद कर लीजिए, राइट नथुना बंद अंगूठे से, लेफ्ट से लंबी सांस, इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से एक्सहेल, राइट से लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट खुला, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस,
लेफ्ट से फ्रेश श्वास, खुद से कंटिन्यू कीजिए, खुद से कंटिन्यू कीजिए, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से फ्रेश श्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से फ्रेश श्वास, खुद से कंटिन्यू कीजिए एक मिनट के लिए, कंटिन्यू धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स। अब पैर जो है वो चेयर के दोनों तरफ ले लीजिए, इस तरीके से पैर कुर्सी के दोनों साइड ले लीजिए। ठीक है, चेयर पे ही बैठ के करना है, सिर्फ पैर दोनों तरफ ले लीजिए कुर्सी के, साथ में थे पैर फैला दीजिए। त्रिकोण आसन के लिए रेडी हो जाइए, दोनों हाथ साइड में और सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। अगर इतना ही झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, अगर पूरा नीचे तक हाथ पहुंचे इतना झुक सकते हैं तो पूरा झुक जाइए। ऊपर वाला हाथ सीधा रखना है, लेफ्ट हाथ सीधा रखना, गर्दन हल्का सा मोड़ के, हल्की सी गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, होल्ड, रुकिए 10 की गिनती तक रुकिए, 1, एक लंबी सांस, हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस, 2, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, गर्दन सेंटर में, धीरे धीरे हाथ सेंटर में, एक लंबी सांस, धीरे धीरे फ्रेश श्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे फ्रेश श्वास और हाथ नीचे। तो त्रिकोण आसन फिर से हम कमर को लचीला बनाने के लिए, बैक मसल्स के लिए है, बैलेंस बनाए रखने के लिए, साथ ही दोनों पैरों में स्ट्रेच के लिए भी है, जंघाओं के लिए भी है, जंघाओं के मसल्स के लिए भी है, थाई मसल्स के लिए। दूसरी तरफ त्रिकोण आसन देखेंगे, सांस लेते हुए हाथ राइट एंगल्स पे, कंधों की लाइन में, एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं, इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकेंगे, और पूरा झुक सकते हैं तो पूरा झुकने की कोशिश। राइट हाथ सीधा है ऊपर, थोड़ी सी गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे,
और 10 की गिनती तक रुकेंगे, हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे से गर्दन सेंटर में सांस लेते हुए वापस सेंटर, धीरे से प्रश्वास, एक और लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, वन डीप ब्रेथ। नेक्स्ट हम देखेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए ध्यान दीजिए, पैर फैला के कुर्सी पे बैठे हैं। अब आप हल्का सा आपके राइट साइड शिफ्ट हो जाइए, सेंटर से हल्का सा राइट शिफ्ट हो जाना है, इस तरीके से। सेंटर में थे, फिर से मैं बता रही हूँ, सेंटर से हल्का सा राइट साइड शिफ्ट हो जाइए, इस तरीके से कि राइट पैर आपका बिल्कुल सीधा है, राइट पैर स्ट्रेट है और लेफ्ट पैर, लेफ्ट जंगा कुर्सी पर है। राइट पैर बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट पैर, लेफ्ट जंगा कुर्सी पर टिकी हुई है। 1 deep breath. 2. धीरे से दोनों हाथ नमस्कार में, और कमर से लेफ्ट साइड इस तरीके से टर्न हो जाइए। ये हम सेंटर में थे, अब पैर वैसे ही है, कमर से हल्का सा लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। यस, रुकिए वीरभद्रासन में। राइट पैर में खिंचाव महसूस कीजिए, कमर से लेकर राइट जंगा, राइट हिप, पूरा नीचे तक, एड़ी तक, राइट पैर में, पूरे पैर में खिंचाव महसूस कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर स्ट्रेच, सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच, सिर के ऊपर, हाथों को खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए, ज्यादा से ज्यादा हाथों में खिंचाव और पूरे शरीर में अब खिंचाव महसूस कीजिए दोनों हाथों में। गर्दन से लेकर नीचे पीठ में, पूरी पीठ में दोनों पैरों में पूरी, पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक खिंचाओ।
एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए छाती के सामने। धीरे धीरे कमर से वापस सेंटर में टर्न हो जाइए। और हाथ खोल के साइड सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और भस्त्रिका स्टार्ट करते हैं। पैर वैसे ही रख के सिर्फ दोनों हाथ साइड में ले आइए, शोल्डर्स के साइड में मुट्ठी बंद, दोनों हाथ कंधों के साइड में मुट्ठी बंद। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, सांस लेते हुए हाथ पीछे, जोर से सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, सांस लेते हुए हाथ पीछे, जोर से सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, नॉर्मल सांस लेते हुए हाथ पीछे, जोर से सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, मुट्ठी खुली। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए 10 बार और स्टार्ट कीजिए भस्त्रिका। 1 2 कंटिन्यू। रिलैक्स, हाथ नीचे घुटनों पर, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए, कुर्सी के थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाइए। सेंटर में थे, लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट पैर सीधा, राइट जगह कुर्सी पर है, राइट जगह कुर्सी पर है, राइट थाई कुर्सी पर है, लेफ्ट पैर स्ट्रेट है। एक लंबी सांस लेते हुए हाथ नमस्कार में छाती के सामने, धीरे से राइट साइड टर्न हो जाइए, कमर से आपके राइट साइड टर्न हो जाइए। कमर से लेके नीचे तक पूरे लेफ्ट पैर में खिंचाव महसूस कीजिए, पूरा कमर से लेके पूरे लेफ्ट पैर में एड़ी तक धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सिर के ऊपर स्ट्रेच, हाथ स्ट्रेच ऊपर, गोमिया सीधी, हाथ स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, होल्ड। दोनों हाथों में खिंचाव महसूस होने तक पूरा हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, गर्दन से लेकर नीचे हिप्स तक पूरी पीठ में कमर में खिंचाव,
सिर से लेकर पांव तक पूरे मसल्स अब स्ट्रेच में है। होल्ड कीजिए प्रॉपर वीर भद्रासन में, रुकिए। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ चेस्ट के सामने। धीरे धीरे कमर से सेंटर में आ जाइए। हाथ खोल के साइड में और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए, वापस बीच में शिफ्ट हो जाइए। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से दोनों हाथ साइड में, पीठ सीधी रखते बैठिए, दोनों हाथ साइड में, मुट्ठी बंद। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए अब हाथ ऊपर, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद, जोर से सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर खुले, सांस लेते हुए हाथ वापस, मुट्ठी बंद, जोर से सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर। भास्त्रिका स्टार्ट करते हैं 10 बार, रेडी लेट्स स्टार्ट। एक, दो, कंटिन्यू। रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से एक बार दोनों हाथ साइड से ऊपर, साइड से दोनों हाथ ऊपर, और हल्का सा कमर से राइट साइड झुक जाइए, टर्न हो जाइए, मतलब हल्का सा कमर से राइट साइड टर्न, और सामने झुकिए। जितना झुक सकते हैं इतना ही झुक सकते हैं तो इतना झुकिए, और पूरा नीचे तक झुक सकते हैं तो पूरा झुकिए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश, माथा राइट घुटने को लगाने की कोशिश, और सिर्फ 5 की गिनती तक झुकिए। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस, 1, 2, 3, फोर, फाइव। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर सेंटर में, कमर सेंटर में, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड, कमर से लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। सांस छोड़ने में जितना आप झुक सकते हैं, हाफ झुक सकते हैं तो हाफ, और कंप्लीट झुक सकते हैं नीचे तक, दोनों हाथ नीचे तक, तो पूरा झुकिए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश, माथा लेफ्ट घुटने को लगाने की कोशिश, और सेम 5 की गिनती तक रुकिए। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस, 1,
टू थ्री फोर एंड फाइव। सांस लेते हुए वापस सेंटर, कमर से सेंटर में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और दोनों पैर मिला लीजिए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और कल जो हमने भ्रामरी देखा था वो आज हम रिपीट करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, उंगलियां आंखों पर रखेंगे, आंखें बंद, अंगूठा कान में। उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद, अंगूठा कान में, कान बंद और मुंह बंद। सांस छोड़ते हुए भंवरी की तरह आवाज करेंगे। और इसके जो वाइब्रेशंस है वो पूरे सिर में फील करेंगे, तनाव कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। जो ये आवाज के पूरे वाइब्रेशंस हैं, आंखें कान और मुंह बंद रखते हुए पूरे सिर में ये वाइब्रेशंस फील करेंगे। हर एक प्रश्वास के साथ भंवरे की तरह आवाज, हर एक प्रश्वास के साथ भंवरे की तरह आवाज 10 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। दस बार हो जाए तो रिलैक्स। और आज का लास्ट आसन देखेंगे हम, मार्जारासन। बैक पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रिलीफ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो पीठ सीधी रखते हुए दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे रख लीजिए। मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टर्न हो रही हूँ, टर्न होने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी। एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पूरी नीचे, चिन जो है वो चेस्ट को लगाइए। चिन टचिंग द चेस्ट, थोड़ी छाती पे लगाइए।
पूरी गर्दन नीचे और पीठ पीछे की तरफ पुश कीजिए, बैक को पीछे की तरफ पुश कीजिए। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे की तरफ पुश। सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे और छाती और पेट बाहर की तरफ पुश करेंगे, छाती और पेट बाहर की तरफ पुश पुश होल्ड। एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ पुश, पीठ पीछे की तरफ पुश, गर्दन पूरी नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट और अपर बैक में खिंचाव महसूस कीजिए। अपर बैक मसल्स में, अपर बैक मसल्स में ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीछे, छाती और पेट ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ, लोअर बैक में ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, लोअर बैक मसल्स पे खिंचाव। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ, पीठ पीछे की तरफ और बिल्कुल धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे की तरफ, छाती और पेट मैक्सिमम सामने की तरफ पुश, लोअर बैक में खिंचाव। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट बाहर की तरफ, एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ, धीरे धीरे गर्दन सेंटर और फीट सीधी। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस,
बिल्कुल धीरे प्रश्वास और आराम से टेक के बैठ जाइए, पीठ को पीछे रेस्ट दीजिए, दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए, दोनों पैरों में हल्का अंतर, पीठ आराम से टिकी हुई है और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, ऐसे दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ जंघाओं पे रखिए, क्यों, रिसीविंग मोड इसीलिए, ठीक है, और आंखें बंद, आंखें बंद, हथेलियां ऊपर की तरफ और बॉडी पूरी कंफर्टेबल। शुरुआत में जैसे हम कर रहे थे, गहरी लंबी सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास। ज्यादा से ज्यादा छाती को फुलाते हुए नाक से लंबी सांस और मुंह से प्रश्वास। नाक से सांस बिल्कुल धीरे मुंह से श्वास। आसपास जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो भी साउंड्स आप सुन सकते हैं सराउंडिंग में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल हर एक साउंड, हर एक आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। हवा का स्पर्श दोनों हाथों पे महसूस कीजिए, फील द एयर टचिंग योर हैंड्स। फील द एयर टचिंग योर फीट। हवा का स्पर्श दोनों पैरों पे महसूस कीजिए। हवा का स्पर्श चेहरे पे महसूस कीजिए। फील और पूरे शरीर पे हवा का स्पर्श महसूस कीजिए, ठंडक देता हुआ। फील द एयर टचिंग द बॉडी एंड कूलिंग इट डाउन। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है,
बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मन बिल्कुल शिथिल है, इसी शिथिलता को अनुभव करते हुए चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आई है। दोनों हथेलियां मिलाकर मल कर आंखों पे रखिए। और चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। I will adjourn our session for today. Over to Dr. Preeti. Thank you so much, madam. Anyone has any question, you can ask. कुणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. एनी क्वेश्चन? ओके मॅडम, कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन्स है? यस या कल का जो हमारा सेशन है वो हम वॉल के साथ लेंगे। जैसे आज हमने चेयर के साथ लिया, वैसे वॉल के साथ सेशन होगा हमारा। तो आप कोई भी वॉल के पास आ जाइए और आपका जो मैट या दरी है उसको वॉल के पास बिछा लीजिए। वॉल को लग के नीचे कोई भी दीवार के पास आपका मैट और दरी बिछाइए। आसपास 3 से 5 फीट की जगह रखिए। कोई सामान हो तो सरका दीजिए। वॉल के पास आ जाइए। कोई भी एक खाली वॉल आपके घर में जो भी है उसके पास आपका दरी और मैट बिछाइए। थोड़ी सी 3 से 5 फीट के आसपास जगह खाली रखिए। और जैसे अभी हमने कैमरा सामने रखा है वैसे कल कैमरा साइड में रखेंगे। यानी अगर मेरा राइट हाथ वॉल को टच हो रहा है तो कैमरा सामने या पीछे ऐसे, ठीक है? तो अभी हमने जैसे कैमरा सामने रखा है कल कैमरा आप साइड में रखिए। हाथ मेरा राइट हाथ वॉल पे है तो कैमरा या तो आप सामने रख सकते हैं या पीछे रख सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी हम आगे का जो मैं कल बता रही थी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आर यू ऑल विथ मी? फ्रेश हो गए हैं, रिफ्रेश हो गए हैं योगा करके? यस यस मैम। सो मैं आप लोगों को दो मिनट का टाइम दे रही हूँ। प्लीज बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। सब लोग रेडी है? यस मैम। यस।